धन्यवाद। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, ज्यादातर सारी बात हो चुकी है। मैं एक जगह इंटरव्यू दे रहा था तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप जो इतने आंदोलन करते हो, काम करते हो, आपको इतनी हिम्मत कहाँ से मिलती है? तो मैंने उसको सिर्फ एक ही जवाब दिया, मेरे को सारी हिम्मत बाबा साहब के संविधान से मिलती है। मुझे लगता है आज जो हमारे यहाँ ताकत खड़ी है, एक संविधान की वजह से ही है। और जो अभी 9 अगस्त को इसी जगह पर संविधान विरोधियों ने यहाँ पर संविधान की प्रतियां जलाने की कोशिश करी थी, मुझे लगता है कि आज ये उनके लिए एक मुंहतोड़ जवाब है कि उन्होंने तुमने एक प्रतियां जलाने की कोशिश करी है। और हम इसका दूसरा जवाब, जैसे मुझसे पहले मेरे भाई ने कहा कि 2019 में हम अपने वोटों के द्वारा उनको जवाब देंगे जब ये मनुवादी और आरएसएस की सरकार को यहाँ से उखाड़ के फेंकेंगे। और मैं दूसरी बात कहना चाहूँगा कि बाबा साहब को अगर हम चाहते हैं बाबा साहब हमारे सामने रहें, तो उसके लिए सबसे बड़ी बात बाबा साहब के बनाए हुए संविधान का जिंदा रहना और संविधान का रहना। तो आज हम यहाँ प्रण लेते हैं कि तो हमारा जो बाबा साहब द्वारा निर्मित संविधान है उसको हम लेके चलेंगे। अगर किसी ने भी उस पर खरोच करने की सोची तो ये तो एक छोटी सी शुरुआत है, और आगे हम एक बड़ा पूरे देश में ऐसा हालात खराब कर देंगे अगर उन्होंने ऐसी गलत सोची। आप सभी आए, उसके लिए आप सबका धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।